वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। और हमारा जो है संडे का दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करके जो आपके मसाइल हैं, आप किसी तरह के भी, अल्लाह ना करे कोई आपको तकलीफ़ है, आप कोई मशवरा लेना चाहें, अपना इलाज करवाना चाहें, तो उसके लिए भी आप हमें लाइव कॉल करते हैं। लाइव कॉल आप तब करेंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमारा जो ख़ानदानी तारुफ है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम एएन अस्करी साहब का, पहले वो देखेंगे, उसके बाद मैं उनको वेलकम करूंगी, टॉपिक पे आएंगे और फिर आपकी लेंगे कॉल। तो आइए चलते हैं ख़ानदानी तारुफ की तरफ। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद एएन अस्करी का मुख्तसर ख़ानदानी तारीखी पस मंज़र तिब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी व अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी ख़ानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीउल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीउल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह दहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार विस्ट्रेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबई स्कॉलर ऑफ इंडिया। हकीम सैयद जफर याब अली शाह दहलवी के पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक को हिंद के मुमताज शख्सियत के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद, वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमरीकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज अरबी इंडियन होम्योपैथ नेचरपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी और तिब नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी कयाम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक जिसके बानी मुजाहिद आजम हजरत अल्लामा इनायतुल्ला खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़हमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद मुमताज शायर अदीब और सहाफी इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्कर जी नाजरीन, अब हमें आपकी टीवी स्क्रीन पे कुछ लम्हों बाद हमारा जो लाइव शो का नंबर है वो भी आएगा और उसी के साथ साथ प्रोफेसर साहब के जो मोबाइल नंबर हैं जिस पे आप शो के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे प्रॉपर जो है डिटेल में बात कर सकते हैं, इनको अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं, वो नंबर भी स्क्रीन पे आएंगे। तो आपने वो नंबर भी नोट करके रखने हैं और शो के बाद उस नंबर पे कॉल करनी है, पर शो के दौरान आप जो लाइव नंबर है उस पे बात करेंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए डायबिटीज़ पर हम बात करेंगे और उसके लिए मुख्तलिफ सवाल जो है वो भी है हमारे पास। और आपके पास भी अगर कोई सवाल है, आप भी अगर इस बीमारी से गुजर रहे हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम एएन अस्करी साहब को मैं वेलकम करती हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह की रहमत है, करम है। ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो अभी मुल्की सूरत हाल है उस पर दो अल्फाज अगर आप कुछ कहना चाहें, जिस तरह से हमारे सिंध के लोग बहुत बड़ा इस वक्त बड़ी मुश्किल से हमारा मुल्क और हमारी कौम गुजर रही है, बड़े इम्तहान से गुजर रही है, बहुत परेशानियाँ कि सैलाब की जो है नज़र हो गए है हम पंजाब ख़ास तौर पे सिंध और बिलखसूस बलूचिस्तान के इलाके जो हैं वो इस वक्त डूबे हुए हैं और हमारे जो अवाम है इस वक्त वो देख रही है सियासतदानों को। लेकिन ये याद रखें, जो कौमें खुद खड़े होने जाती हैं, अपने मसाइल का मसाइब का मुकाबला करना खुद सीख लें, तो फिर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर और अपनी इमदाद के ज़रिए आप खुद आगे बढ़ें।
मैंने खुद अपना एक आज मेरा कैंप का इफ्तिताह है अच्छा सैलाब जदगान के हवाले से राशिद मिन्हास रोड पर मेरे क्लिनिक के बाहर ही हमने कैंप लगाया है, खाकसार तहरीक के जेर तमाम। तो वो कैंप इसीलिए लगाया कि हम जितने अगर हम जिस कदर हो सकता है अगर इसमें हम चार आदमियों की भी जिंदगी बचा लेते हैं, चार आदमियों की भी कफालत कर लेते हैं, उनको बाकायदा उनको राशन जरूरियात अपनी तरफ से हिस्सा का चार लोगों का भी डाल देते तो बड़ी बात है, आपका वो काम पूरा हो गया जी। जरूरी नहीं है कि आप 4000 या 400 लोगों को, देखिए आपकी आपके हाथ में जितनी दस्तरस है, अल्लाह ताला जितना आपसे आपको आपसे लोगों की खिदमत ले सकता है वो आप कीजिए और पूरे यकीन और ईमान के साथ कीजिए। ये नहीं कि कुछ अक्सर ऐसे भी हैं कि जो इस तरीके से डोनेशंस रिलीफ फंड के हवाले से वो अपनी जेबें भर रहे होते बिल्कुल वो मौजूद हैं जो फोटो सेशन करवा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो भी तो मौजूद है जिन्होंने कैंप के रेट बढ़ा दिए, वो भी तो मौजूद है। एग्जैक्टली बिल्कुल आफात इसीलिए तो आ रही है जी हाँ। तो यहाँ हमारा मुल्क जो है ना इस वक्त बहुत बड़े इम्तहान से गुजर रहा है, इस वक्त सियासी बहरान है, इस वक्त आपके मुल्क में आपकी महंगाई, सेहत के जो है मामला वो लोग खुद उससे परेशान है, मिलावट, झूठ, फरेब, रियाकारी, दगा, सब चीज़ इससे भरपूर तरीके से हमें मुकाबला करना है बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने यकीन और ईमान की कैफियत को बुलंद रखना है और ये सोचना है कि आपकी आने वाली नस्ल जो है वो सक्सेस हो, मुतमईन हो, अपने माँ बाप के किरदार से मुतमईन हो, लिहाजा वो एक बेहतरीन कौम बन के बाहर निकलते हैं। बिल्कुल जी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं क्योंकि आपको पता है फिर कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, फिर टॉपिक थोड़ा सा हमारा रह भी जाता है और फिर मेरी और प्रोफेसर साहब की ये एक चीज़ होती है कि नहीं यानी अगर कोई कॉल आ गई तो मैंने ज़रूर उनको बताना है तो ये चीज़ होती है। अच्छा डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ी सी हम बात करते हैं, जो मुझे आजकल सवाल सुनने को मिल रहे हैं कि जब भी हकीम साहब आएँ तो आपने ज़रूर उनसे पूछना है कि रात को जो है हमारी शुगर अगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं भी है तो भी पैरों में सुन हो जाते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है, टांगों में अजीब सी ना उलझन सी रहती है, तकलीफ सी रहती है, बल तो पड़ते हैं, मतलब इस तरह की सिचुएशन, नींद नहीं आ रही। अंजीर के बारे में ये कह दिया कि ये शफा है, इसमें अल्लाह ने जो है बहुत सारी हिकमत अल्लाह ताला ने भरी है, तो उससे कब्ज भी नहीं होती अंजीर से और जैतून से, और ये खून की नालियां को साफ करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और आपका लो कोलेस्ट्रॉल जो क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, दौरान खून रवानी उसकी कम हो जाती है तो रवानी बेहतर हो जाती है, हार्ट वॉल खुलना शुरू हो जाते हैं, और ये कि इंसान बहुत बहुत हद तक जो है वो अपने मर्ज़ को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ग़िज़ा का इस्तेमाल, परहेज़ और सैर, एक्सरसाइज, वॉक, अपने आप को कंज्यूम करना, अपने आप को मशक्क़त में डालें ताकि आप जो छोटी छोटी जगहों पे मोटरसाइकिल पे जाना बंद कर दीजिए, ये गाड़ी में, और इसी तरीके से लिफ्टों का इस्तेमाल जो है लोग दूसरे फ्लोर हो या तीसरा फ्लोर होता है पैदल चलने की कोशिश करें कि अपने जितना हो सके वो आप सीढ़ियाँ चढ़ें सीढ़ियाँ उतरें, अपने आप को एक्टिव कर लीजिए, आप यकीन माने यही आपने आपने आधा से ज़्यादा जो है आपने मुकाबला कर लिया बीमारी के साथ। और उसके साथ साथ जो है जो दवाएँ मैं बताता हूँ उन दवाओं का इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोग कहते हैं कि जी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम घर में बना सकते हैं, जामुन है, जामुन बेहतरीन चीज़ है, इसकी बाकायदा रिसर्च हुई है कि ये इंसुलिन पैदा करता है। अच्छा जी हाँ, जामुन की गुठलियाँ ले लीजिए 100 ग्राम, इसी तरह गुड़मार बूटी 100 ग्राम, और ये दोनों इसके साथ जो आप करेला, करेले का खुश करके पाउडर वो 100 ग्राम करेले का पाउडर लीजिए, और इसी तरह आप इसमें हल्दी, आंबा हल्दी 100 ग्राम मिला लीजिए, ये चार पांच चीजें हमदर्द। आंबा हल्दी मीन्स आंबा हल्दी, हल्दी मिलती है, आंबा हल्दी जो है खास एक हल्दी है। अच्छा ठीक है, समझे ना, जो हमारे घरों में यूज होती है उससे चेंज होती है जी हाँ, आंबा हल्दी उसको कहते हैं, वो खालिस हल्दी हल्दी होती है। ठीक है, प्रोफेसर साहब अगर ये पूरा आप कॉल के बाद पूरा कर लें क्योंकि कॉलर ज्यादा वेट नहीं करते ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी सही बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी जी क्या कहेंगे जी? बहुत सर को भी सलाम दीजिएगा, इनसे अर्ज ये थी कि ना वो मेरे सर में बहुत शदीद दर्द रहता है। अच्छा। और आंखों में भी ना हल्का हल्का दर्द होता है, तो इसके लिए ना कुछ बता दें। अच्छा क्या क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 27 साल है। अच्छा, किन औकात में सर दर्द होता है? ये मगरिब के टाइम पे या रात के टाइम पे होता है सर। अच्छा, पूरे सर में होता है या आधे सर में? जी अभी जो रहा है ना ये आधे सर पे है।
आधा सर है। ठीक ठीक, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जी अच्छा, बात ये कि सर दर्द भी एक मसला है, यूं है कि और आधा सर दर्द तो ज्यादा मसला है, दर्द शकीका कहते हैं माइग्रेन, तो इसके लिए तो एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, और इसके साथ साथ आप ये एक दवा है वो हमसे मंगवा लीजिएगा आधे सर दर्द की, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये आधे सर का दर्द जो है वो किसी हद तक आपका कंट्रोल है। एक तो ये कि जिस वक्त सर दर्द हो उस वक्त आप कोशिश करें कि आपको दो तीन छींके आ जाएं, तो फौरी तौर पर जो है सर दर्द जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड ब्लॉकेज में सर दर्द होता है। दूसरा आप एक और काम कीजिए कि रात सोते वक्त जो है, जैसे मैंने बताया कि ये रोगन जैतून, इसका मसाज कन पट्टियों पर रख कीजिए और कानों पर कर लीजिए, हल्के हाथ से ना मसाज कर लीजिए, कानों के पीछे लगाएं, कानों के अंदर लगाएं, और ऑयलिंग जो है कान के अंदर जो है ऑयल लगाइए, नाक के अंदर ऑयल लगाइए, और ये कि खाना खाती मत सोइएगा, खाना खाने के कम से कम 1.5-2 घंटे तक आप वॉक रखें, उसके बाद आप सोएं, तो इंशाल्लाह ये कि किसी हद तक जो है ये आपका दर्द शकीका जो है ये ख़त्म होगा। इसके साथ साथ अगर खालिस शहद है, अगर आपका दाएं तरफ दर्द है तो बाएं नाक के नथरे में लेट कर 2-3 कतरे शहद के डालिए, आपका राइट साइड का जो है शकीका ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह बाएं तरफ हो दर्द हो तो राइट नाक के नाक में शहद डालिए, खाली शहद 2-3 कतरे डाल लीजिए, इंशाल्लाह इससे काफ़ी आपको रिलीफ होगा। ऐसी रोगन जैतून और कलौंजी जो है ये रोगन लीजिए, ये कानों में और नाक में लगा लीजिए, सर माथे पे मसाज कीजिए, आपको ये दर्द जो है वो 3-4 हफ्तों के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये तो इनका मैंने घरेलू इलाज बताया, इसके साथ अगर आपको मजीद कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर तो चल रहे हैं, और व्हाट्सएप पे ये नंबर जो है ये आप मुझे अपनी रिपोर्ट भी भेज सकते हैं इस हवाले से। अच्छा, शुगर के हवाले से जो मैं बात हो रही थी अभी, हम उस मौजू को दोबारा लेते हैं ताकि ये कॉल आने से पहले पहले मैं इस बात को मुकम्मल कर दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये मैं नुस्खा बता रहा था कि जामुन की गुठली और गुड़मार बूटी, करेले के जो है वो खुश्क करेला लीजिए, और आंबा हल्दी, ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों को हम वजन लीजिए 100-100 ग्राम लेकर इसको कूट लीजिए, और सुबह और दोपहर, सुबह और शाम, सुबह निहार 1 चम्मच, दोपहर खाना खाने से 1/2 घंटा पहले आप 1 चम्मच ले लीजिए पानी के साथ, और इसी तरह शाम रात खाना खाने से 1/2 घंटा पहले 1 घंटा पहले ये पानी में हल करके पी लीजिए, और इंशाल्लाह इससे जो है इनिशियली स्टेज की शुगर जो है कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, शुगर से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, मसलन मेमोरी लॉस होना, नज़र की कमजोरी, दांत गिर जाना, हड्डियाँ कमज़ोर, कमर जिस्म कमर में दर्द शदीद, जोड़ों में दर्द, तो ये बहुत सारे मसाइल जो हैं शुगर से, अज़दवाजी मामलात में बे औलादी का शिकार हो जाते हैं, और सेक्सुअल डिज़ायर्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं लोगों की। अमूमन ये होता है कि ये जो बहुत ज़्यादा एलोपैथिक अद्वियात खाते हैं ब्लड प्रेशर की या शुगर की, उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो जिंसी मामलात जो है उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है इंसान का, और बिल्कुल वो एक मायूसी नाउमीदी की दहलीज पर पहुँच जाता है। तो वैसे कोशिश कीजिए कि एलोपैथिक अद्वियात इमरजेंसी में तो आप खा सकते हैं, लेकिन द लॉन्ग रन आप अगर ज़्यादा अरसे तक खाएंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दों की प्रॉब्लम, जिगर की प्रॉब्लम, और बहुत सारे मामला जो मैंने अभी जिक्र किया उसको फेस करना पड़ते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ग़िज़ा को बेहतर कर लीजिए, वॉक एक्सरसाइज की तरफ आ जाइए, और फिर हर्बल साइंसिस पर आइए, इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज कीजिए, ग़िज़ा से अपनी आप बेहतर इलाज कीजिए, जिसका साइड इफेक्ट भी कोई बिल्कुल, तो ये इन चीज़ों में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। मसलन जो कमजोरियां आपको ऐसे शुगर के मरीज जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से बीमार हैं और मुसलसल वो ऐसी अद्वियात खा रहे हैं, और फिर बड़े खुश होकर कहते हैं जनाब हमारा तो शुगर भी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है, हमारा तमाम चीज़ें, भाई आप दवाइयाँ कितनी खा रहे हैं, वो दवाइयाँ आपको उस मर्ज को कंट्रोल कर रही हैं, मज़ा तो ये हो कि आप अद्वियात से आप कुछ अर्सा खाएं, मतलब जैसे 2-3 महीने हम कहते हैं कि ये कोर्स कर लें, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हमारी अद्वियात में एक चीज़ ये है कि वो आपके उस
इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, आपके ब्लड को सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, आप ब्लड क्लॉटिंग ख़त्म हो जाती है बॉडी से, आप मुस्तकिल तरीके से 3 से 4 महीने में बिल्कुल आप शुगर से भी बच जाते हैं और आप रिवर्स आप एंटी एजिंग की तरफ आ जाते हैं और आप अपने सबका जो दौर में आपको 8-10 साल पहले जैसे आप हेल्दी थे वैसे आप हेल्दी हो जाएंगे। उसके लिए हमारे पास जो है अस्करी ग्रीन है जो कि जिसमें 22,000 न्यूट्रिशंस मौजूद हैं और दुनिया का बेहतरीन उसमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली अद्वियात मौजूद है। तो शुगर के वैसा जो है मरीज वो 2-3 महीने 4 महीने इलाज कर ले और शुगर से मुकम्मल तरीके से आप निजात ना सिर्फ पाएंगे बल्कि आप दोबारा उसी हेल्दी लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है जी, कॉलर मौजूद है, कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं भाई? ये मैं खुर्शीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या कहेंगे? अच्छा कीम साहब से बात करनी है। जी जी, बात करें, फरमाएं। जी कीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। अच्छा, आपका प्रोग्राम देख रहा था, काफी फायदेमंद है, काफी इससे हमें फायदियत होती है। जी जी। तो मुझे बताइए कि ये जोड़ों में जो दर्द होता है, स्पेशली टांगों में जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो बैठ के उठते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ तो बैठता हूँ, तहियात में बैठता हूँ तो जब जैसे ही ज्यादा देर बैठ जाऊँ खड़ा होता हूँ चक्कर आते हैं। अच्छा, उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र है 57 साल। और वजन कितना है? वजन नॉर्मल है, मेरे ख्याल से 74-75 kg होगा। ठीक, कब से ये प्रॉब्लम हो रही है? ये प्रॉब्लम हो रही है कोई 3-4 साल हो गए। अच्छा, और कोई ब्लड प्रेशर या शुगर? नहीं, मेरा एक हार्ट की वो हुई थी, एंजियोग्राफी हुई थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी, एक स्टंट डला। अच्छा, था ठीक। उसके बाद से ये होता है। तो आप अपना सैर करते हैं, वर्जिश करते जी, हैं? जी जी जी, वो भी सारा वॉक भी करता हूँ, मेडिसिन भी जो चल रही है हार्ट की वो मैं लेता हूँ, वो सारी चीजें सब ठीक है। बस सिर्फ ये एक तो जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो घुटनों में हल्का हल्का, ज्यादा नहीं होता मगर हल्का हल्का होता, और जब तैयार में बैठ के अगर थोड़ी देर बैठो कुछ नहीं होता। जी जी, बस समझ गया, ये तो आपने बताया। अब मेरे बात का जवाब दीजिए, कब से आप अद्वियात खा रहे हैं ये हार्ट की? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। ठीक है जी, थैंक यू जी। अच्छा, चूंकि ये 4-5 साल से हार्ट की अद्वियात खा रहे हैं जी, देखिए हर एलोपैथिक दवा में, मैं खुद एलोपैथिक प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मैं MD डॉक्टर भी रहा, मैंने हर्बल साइंसेस में भी काम किया, होम्योपैथिक भी मेरा सब्जेक्ट रहा, उसमें भी क्वालिफाइड हूँ, ऐसे एक्यूपंचर जो चाइनीज तरीका इलाज है उसको भी मैंने देखा, लेकिन तमाम तरीका है इलाज के बाद जो है जो सबसे टॉप मेरा मैंने मेडिसिन ट्रीटमेंट देखा है वो है तिब नबी। ठीक है, जो बुनियादी तौर पर जो नबी की हमारी तिब है जिस पे हमारा यकीन और ईमान है, वो नबी आपको दीन का इल्म के साथ साथ इल्म बदन, इल्म अदियान के साथ साथ इल्म अब्दान यानी जिस्मों का इल्म भी लेकर आया, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे जो उनके अमल हैं उससे उस साबित किया कि ये जो इमराज हैं ये इंसान जो है अपनी कोताहियों से पैदा करता है, लापरवाही से। तो इन इमराज को काबू करने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करें? आप देखिए, कोशिश ये कीजिए कि जो एलोपैथिक अद्वियात है उनको आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप कीजिए। मैं बताता हूँ कि हार्ट की कुछ अद्वियात ऐसी हैं कि जो आप 3-4 महीने खा लीजिए, आपको किसी दिल की मर्ज़ की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर एक, आप कॉलर है तो मुझे बता दीजिएगा। कॉलर है, है? चले बात पहले कॉलर ले ली। ठीक है जी, इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं भाई? नाजम ताहिर नाम है जी, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कहेंगे? उसने ये था कि मैं 2009 से इंसुलिन पे हूँ जी, तो उसके बावजूद भी मेरी शुगर जो HbA1c तकरीबन 9 आती है, कभी 8.7-9 के करीब करीब आती है। अच्छा, तो इस सिलसिले में पूछना था कि इसके कोई मुमकिन है कि इंसुलिन से जान छूट जाए? इंसुलिन कितना ले रहे हैं? मैं ले रहा हूँ 50 यूनिट ले रहा हूँ मॉर्निंग में। अच्छा, और 40 शाम को। तो आपकी उम्र क्या है, एज कितनी है? एज है 42। कब से आप ले रहे हैं? मैं 2009 से शुगर है मुझे। अच्छा, और
शुरू से मैं इंसुलिन नहीं ले रहा हूँ, इंसुलिन का डॉक्टर मुख्तलिफ चेंज करते रहे लेकिन इंसुलिन सही हूँ। ठीक बेटा, आप टीवी देखिए, मैं आपको वो जवाब देता हूँ इसका भी। मेहरबानी, शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अच्छा, तो बात हो रही थी हार्ट के हवाले से ना, मैं इनका भी जवाब देता हूँ इंसुलिन के हवाले से भी। तो वो ये कि आप जौ का दलिया लीजिए सुबह निहार, आपको सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम है उसमें आप खजूर या जो आप तलबीना बताते हैं जी, खजूर या छुआरे, ठीक, छुआरे बारीक कर लीजिए, उसमें से गुठली निकाल लीजिए और उसको उसमें डालिए। इसी तरह आप बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये बादाम 5 दाने, पिस्ता 5 दाने, अखरोट 2 अदद, ये उसमें डालिए, इलायची छोटी डालिए और मगज़े चहार डालना चाहें तो वो भी, मगज़े चहार जो है वो आधा चम्मच के करीब जो है, यानी 5 से 10 ग्राम के दरमियान उसका इजाफा कर लें और ये सुबह नाश्ता आप इसका कीजिए। इससे आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, मैदा बेहतर हो जाएगा और आपके अंदर ताकत आएगी, जो आपका प्रॉब्लम उठने बैठने चलने में है, आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी बॉडी में है, वो पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है मुझे वो कोर्स भी मंगवा लीजिए, मेरे से शुगर कोर्स मंगवा लीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन आवासी कि 8 से 10 दिन में आपका ये दर्द भी खत्म होगा और आप जवानों की तरह चलना शुरू हो जाएंगी। 3 महीने ये आपका कोर्स करता है इंशाल्लाह। आप कॉल कर लीजिएगा शो के बाद, प्रोफेसर साहब के जो नंबर है हकीम साहब का स्क्रीन पे आता रहेगा, आप वो नोट करें और शो के बाद इनको कॉल करके वो जो कोर्स है वो उसके हवाले से जो डिस्कस करना चाहें। बिल्कुल, मियां वाली से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जुल्फकार अली बात कर रहा हूँ सर। जी भाई, क्या बात है? बात यह है जी कि भी मेरे ब्लड प्रेशर का मसला हैगा जी, जी। तो तकरीबन ब्लड प्रेशर मेरा कल मैंने चेक कराया है 250/150 था जी। अच्छा। और पहले यूज कर रहा हूँ मैं दवाइयाँ, बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे। अच्छा 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 जी सर। तो उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 52 साल है जी। घुटनों में भी दर्द रहता है जी, और जिस्म में घुटनों में भी दर्द रहता है और जनाबे वाले जिस्म में भी पूरे में दर्द रहता है। कोई दवा खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की? जी खा रहा जी। कब से खा रहे हैं? तकरीबन हो गया 3-4 साल हो गया जी। उसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं है? नहीं जी, कंट्रोल में नहीं। तो भाई जब कंट्रोल में नहीं है तो आप अपना तरीका इलाज चेंज कर ले जी सर। ठीक है, और जो मैं आपको बताऊंगा उस पर आप अमल शुरू कीजिएगा इंशाल्लाह। आप जो है आपकी उम्र 56 साल कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि आप एक अरसे से खा रहे दवाइयां तो वो आपको बजाय ठीक करने के मजीद आपका सिस्टम को डिस्टर्ब किया उसने। अब बाकी शो पे देखें, आपको बता जी। आप सुनिए, थैंक यू। अच्छा, इनसे पहले जो साहब थे जी, उन्होंने अपना किस मर्ज के हवाले से बताया, घुटनों में दर्द, नमाज के लिए बैठते थे शायद इसका कारण। हाँ, अच्छा देखिए मैं भूल जाता हूँ। नहीं, माशाल्लाह कॉलर्स बहुत सारे हैं तो बाकी बहुत सारी कॉल्स एक के बाद एक आ रही है। हाँ, ब्लड प्रेशर के हवाले से भी था। मैं ब्लड प्रेशर का भी इनका भी बताता हूँ और उनका भी जिक्र है। देखिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए आपको मैं एक जोशांदा बताता हूँ, जिसे लोग अमूमन हम कहवा भी कहते हैं। ठीक है। आप उसमें सोहांजना लीजिए, यानी मोरिंगा, मोरिंगा मोरिंगा लीजिए और एलोवेरा यानी घी कवार, कवार भाटा, कवार गंधल इसको यही कहते हैं, तो इसमें आप 100 ग्राम ये लीजिए, जेल लीजिए घी कवार का जी हाँ। और इसमें आपने पुदीना डालिए, 21 पत्ते पुदीना, 50 ग्राम आपने सुहांजना लेना है और आप सुहांजना और पुदीना 21 पत्ते पुदीना, घी कवार जो है 100 ग्राम, इसको आप शेक कीजिए और शेक करने के बाद जो है इसको आप सुबह निहार आप पीजिए बगैर चीनी डाले, बहुत ये कोई कड़वापन नहीं होगा जेल में, और इसी तरीके से शाम को लीजिए। जोड़ों पर आप घी कवार जो है यानी एलोवेरा वो काट के दरमियान से जोड़ों पे लगाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक समझे, 5 दफा ऐसा घुमाए और ये इंशाल्लाह जोड़ों का दर्द भी आपका बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो है आप उससे मुकम्मल एक कोर्स मंगवा लीजिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं
वो आपकी सारी चीज़ें जो है रिकवर होना शुरू हो जाती हैं, खून की नालियाँ शरियाने खुलना शुरू हो जाती हैं। हमारी अद्वियात जो है वो असल में लोग ये समझते हैं कि जड़ी बूटियों से जो अद्वियात तैयार होती हैं वो देर में असर करती हैं, लेकिन मैं दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक जो हमने अद्वियात तैयार की हैं उसमें कुछ अद्वियात ऐसी हैं कि तो 15 से 20 सेकंड के अंदर उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है बॉडी में। मसलन हमारी जो मैजिक करीम है, अस्करी मैजिक करीम, नाजीन जो आप टीवी चैनल पे जो देख रहे हैं मेरी प्रोडक्ट है, इसमें अस्करी मैजिक करीम बड़ी लाजवाब, बहुत इसके रिजल्ट हैं और ये चंद दिनों में इसका रिजल्ट आना शुरू होता है। अच्छा, ये कराची से कॉलर हैं और मुझे याद भी आ गया है कि वो 42 उनकी एज थी और उनकी कॉल आई थी कि वो इंसुलिन पे है, 2009 में उनको शुगर हुई थी और इंसुलिन पे हैं और वो उसका आपने बताना था, पर मैं पहले कॉलर से कॉल ले लूँ, ये वाला आपने जरूर बताना क्योंकि मुझे याद आ गया अचानक कि उनका हमने जवाब नहीं दिया। ठीक है जी, कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, टीवी की आवाज की जो आ रही है मुझे, वॉल्यूम थोड़ा सा बंद कर दे ताकि आपकी कॉल जो है मैं ले सकूं और टाइम जाया ना हो। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं भाई? मैं अताउल्ला बात कर रहा हूं कराची से। जी जी बोले। आप मुसलसल टीवी देख रहे हैं, अपनी आवाज सुन रहे हैं, ये हमें आवाज नहीं आएगी, माजरत चाहेंगे आपसे। ठीक है जी, ओके जी। वो जो हमें कॉल आई थी उस पर भी आपको बताना है। अच्छा, वो मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि ये जो मैं मैजिक क्रीम का बता रहा हूँ, ये आप इसको, ये मैजिक क्रीम जो है ये एक्सटर्नल यूज पे है, इसमें ये कुछ पॉइंट्स पे लगती है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे हम कहते हैं कि मतलब शहरक पे आप लगाते हैं, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार हुई हुई है और इसको ये 15 से 20 सेकंड के अंदर ये आपके खून में हल होना शुरू हो जाती है। यानी मेन आर्टरी है जो आप जिसको आप कैविटी आर्टरी के समझे ना, इस पर फौरन ये जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, खून में हल हो जाती है और ब्लड के सेल्स जो हैं उसमें से टॉक्सिन्स निकालती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है, ब्लड को नॉरिश कर देती है और यूँ पूरी बॉडी में चंद लम्हों में ये पूरी बॉडी में सर्वाइव होकर जहाँ जहाँ क्लॉटिंग है, जहाँ जहाँ रुकावट है, जहाँ जहाँ शरियानों में आपके कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो उसको साफ करना शुरू करती है। क्योंकि खून को साफ करने के दो चीज़ें से खून साफ होता है, यानी एक आपका पानी का मिकदार ज़्यादा हो, दूसरा आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो। जब ऑक्सीजन लेवल होगा तो वो आपके खून में किसी किस्म के जरासीम वगैरह हैं उनको ख़त्म करके आपके माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट कर देता है, जो कि खून बनाने वाला सबसे बड़ा आपकी फैक्ट्री है। तो जब ब्लड आपकी ताकतवर पैदा होगा तो आपके अंदर से आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपकी हार्ट क्लॉटिंग खत्म होकर हार्ट के वॉल खुलना शुरू हो जाते हैं, ये बॉडी में अगर कैंसर के असर आते हैं तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, इवन के इनफर्टिलिटी केसेस में जो पॉलीसेस्ट, फाइब्रॉइड सिस्ट वगैरह हो जाते हैं और हार्मोन सिस्टम को भी ये जो है अस्करी मैजिक करीम जो है एक्सटर्नल यूज में लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए बहुत इसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट हैं और 2 से 3 हफ्तों में ऐसा लाजवाब रिजल्ट आता है कि लोग उसका चेहरा देख के कहते हैं कि आज तो तुम बड़े खिले खिले और रंग तुम्हारा बड़ा साफ है, झाइयाँ खत्म होना शुरू हो गई हैं और चेहरे पर रौनक आ गई। ये एबटाबाद से रौनक वालों की कॉल भी आई है। हाँ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एबटाबाद से जैद बोल रहा हूँ जी। जी जी, एबटाबाद से जैद बोल रहा हूँ। जी जी, जैद साहब बात कीजिए, फरमाइए। मेरा बेटा है जी, इसकी उम्र तकरीबन 14 साल है, इसको गलों की तकलीफ, मेडिसिन इस्तेमाल की है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, इसके गले, इसको गले हो जाते हैं, कुछ काइंडली दवाई बता दें। दूसरा, ये बच्चे पढ़ते भी हैं, इनकी दिमागी कमजोरी है, दिमाग के लिए भी कोई बता दें जी, आपका मेरा शुक्रिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 14 साल है। 14 साल। अच्छा ठीक है, बच्चे की उम्र 14 साल है जी। सही है, सही। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप टीवी देखिए। अच्छा, ये जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, ये इससे क्या होता है कि अब तो एक तो हमारा अस्करी ग्रीन जो है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, शुगर को अंदरूनी तौर पर जो है शुगर लेवल नॉर्मल करना शुरू कर देता है, आपके लुबलुबे को एक्टिवेट करता है, लुबलुबे से इंसुलिन पैदा करने की सलाहियतें बहाल हो जाती हैं, क्योंकि लुबलुबा जो है वो डेड नहीं होता बल्कि उसका वो डिसफंक्शन हो जाता है,
उसको एक्टिवेट करता है, उसमें से खून की नाली जो है क्लॉटिंग ख़त्म करके उसका सुद्दा ख़त्म करते हैं जिगर का, और उस तो फिर ये बाकायदा आप जो है लुबलुबा जो है वो नॉर्मल उसमें आना शुरू हो जाता है, इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। तो ये कोर्स है बाकायदा तौर पर 3 से 4 महीने का, कैस क्रीम मैजिक क्रीम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, इंटरनल तौर पर जो है कुछ उसका कोर्स है जिससे आपका शुगर जो है वो ख़त्म हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, इंसुलिन छूट जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन जो है जैसे 50 यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो वो 40 से 30 पे आ जाता है, 30 से 20 पे आता है और एक वक्त आता है कि पूरे इंसुलिन उसके बॉडी से पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो रीजनरेट कर देते हैं हम इंसान को उसमें। अच्छा, ये साहब कह रहे थे बच्चों के हवाले से कॉल सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे भाई? जी जी मोहतरम बेटा, अफीम साहब से बात करनी थी। जी जी फरमाइए। अच्छा अफीम साहब, मुझे ना अस्थमा की प्रॉब्लम है काफी अरसे से। अच्छा, उम्र तो क्या आपकी? उम्र 61 साल है। ठीक। अच्छा, अस्थमा की प्रॉब्लम है और मैंने जो है ना काफी इलाज करवाए हैं, पहले ना काफी इलाज करवा के ना अंग्रेजी भी देसी भी करता रहा लेकिन ना कोई समझ नहीं सका। अच्छा तो अच्छा, ये सर्दियों में ज्यादा होता है या गर्मियों में? ये सर्दी गर्मी दोनों में नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो अब मैं तो जो है ना इनहेलर सिर्फ यूज कर लेता हूँ जो ज्यादा प्रॉब्लम देखता हूँ ना जी, तो बाकी मेडिसिन वगैरह छोड़ दी क्यों, कई सालों से मैं कर रहा हूँ ये। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इसका हल जो है वो भी बताता हूँ और इससे पहले जो है वो आप याद रखिएगा इन पेशेंट का, जो आप भूल जाती हैं। आज मेरी मेमोरी का जो है एग्जाम चल रहा है। थैंक यू। हाँ। बच्चे की तरफ आते, 14 साल के बच्चे का जी जो आया बिल्कुल है। उसको जो है उनका अच्छा ये है कि सुबह नाश्ता जो है ना बच्चों को अक्सर लोग जो है सिर्फ चाय पापा खिलाकर जो है, हालांकि बेस है वो या चाय पापा होता है या चाय पराठा होता है, समझा, इनको बच्चों को लिए गजा का खास तौर पे उसका पापा घर वाला हो या खाने वाला पापा आज हमने किम साहब कोई शो में हंसी मुस्कुराहट वाली कोई बात नहीं की थी अभी तक, शो देखे एंड पे आ गया था। हाँ। पर कोई नहीं की थी, वरना हमारे शो पे मैं एक आध बात जरूर करती हूँ। सही कहते हैं। अच्छा अच्छा, बात यह है कि अब जरा चूंकि टफ मुकाबला इनका जवाब दे दूं, तो ये कि बच्चों को जैसे मैंने तलबीना बताया जी, तलबीना का इस्तेमाल लाजमी करवाइए, उसमें बादाम पिस्ता अखरोट और जौ का दलिया खजूर या अंजीर शामिल कर लीजिए और इसी तरह खजूर शामिल करें बच्चों के, इसमें 3 से 4 खजूरें जो हैं वो शेक कदलीज बनाइए आप। इसके साथ साथ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मौसमी फल ले लीजिए, मसलन आजकल अंगूर आड़ू और सेब है, वो भी डाल लें, ये आप डालिए सेब आड़ू अंगूर डाल लीजिए, उसमें बादाम पिस्ता अखरोट वगैरह डालकर उसका शेक कर लीजिए, उसमें शहद शामिल कीजिए और आप 1 गिलास बच्चों को 1 से 2 गिलास जरूर सुबह पिलाएं। और फिर दूसरा ये है कि बच्चों को आप कहते हैं कि बच्चों की अगर हाइट ग्रोइंग नहीं हो रही तो भी इसमें बच्चों की हाइट भी ग्रो होना शुरू हो जाएगी, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सलाद फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाइए और बाजारी गिज़ाएँ बाजारी चीज़ें जो हैं उससे आप परहेज करवाएं, घर घर की चीज़ें। जी हाँ जी, बच्चों को जो है खेल कूद में उनका हिस्सा जरूर उनका होना चाहिए, और यूं जो है बच्चा इंशाल्लाह बड़ा एक्टिव रहेगा। अब मेरा टेलीफोन चल रहा है नंबर, जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे एक कोर्स मंगवा लीजिएगा इस सिलसिला में, तो जो बच्चों की मेमोरी को भी बहुत अच्छा कर देगा। बड़ा मुकाबला टफ चल रहा है आज, आप छुट्टी ना किया करें। अब मैं आपका जवाब लेती हूँ, कॉलर तैयार होता है ना, मैं अब जो आप बता रहे होते पुराने वाले कॉलर को वो भी नहीं मैं खत्म कर सकती बात, और कॉलर को भी नाराज नहीं कर जी, सकती। बस याद मुकाबला में हम बेफिक्र रहे, आज मैंने याद रखने वाला काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद से कॉलर मौजूद है, कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए चले गए, कोई बात नहीं। अच्छा, खैर इससे लास्ट जो था ना एस्टिमा के हवाले से, तो एस्टिमा का एक नुस्खा नोट कर लीजिए कि आपको मैं बताता हूँ। उनाब 5 दाना, ये हर मौसम के लिए है आपके लिए। उनाब 5 दाना, बीदाना 6 ग्राम, बीदाना 6 ग्राम ठीक है, सौंफ 1 चम्मच, मलेठी 10 ग्राम और उस्तो खुद्दूस, लिख लें जी हाँ, उस्तो खुद्दूस जो है ये 10 ग्राम है, इसको आप 4-5 गिलास पानी में बॉईल कीजिए
एक सुबह निहार पीजिए, अच्छा बॉयल करने के बाद जो चार गिलास रह जाए तो उसमें आप सुबह निहार नीम गर्म दोपहर को और रात सोते वक्त पीजिए, तो आप दूसरा चावल गोभी आलू अरवी बैंगन खटाई अचार चटनी से खास तौर पर परहेज कीजिए। ये कब तक पीना है ये भी बता दें। ये आप ये इस्तेमाल करें कम से कम 20-25 दिन के बाद जो है मुझे रिपोर्ट दें कि हम ये, और इसके साथ जो है हमारा अस्करी वाटर है वो मंगवाइए, और इसी तरीके से जो है हमारा एक एस्टीमा की दवा है कोर्स है वो मंगवा लीजिए, एक दो महीने इस्तेमाल कर लीजिए, आपका एस्टीमा प्रॉब्लम जो है इंशाल्लाह ये जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, इस्लामाबाद से कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इरशाद इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बोले जी। प्रोफेसर साहब ये पूछना था, मेरी उम्र जो है वो 38 ईयर्स है, 38 साल मेरी उम्र है। ठीक जी, मेरा तो जिस्म बादी है जिसकी वजह से मुझे एक मुख्तलिफ पैन रहती है जोड़ों की, जैसे हाथों की कलाइयों में और हाथों के अंगूठों में, कभी पाँव के अंगूठे में, और कभी जैसे नॉर्मली घुटने में शदीद पैन है। अच्छा, हो जाती है। तो वजन कितना है आपका? सॉरी, वेट? वेट मेरा जो है जी वो 78-75-80 के करीब कम है मेरा वेट, इतना ज्यादा नहीं। हाइट कितनी है? हाइट मेरी 6'2". अच्छा, नहीं इस हिसाब से तो वजन आपका नॉर्मल है आपका। आप ये बताइए कि आप चावल ज्यादा खाते हैं? हाँ जी, चावल मैंने छोड़ा है अभी तो अतीत से, लेकिन मोस्टली मैं ज्यादा खाता था चावल। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप टीवी देखिए, एक तो ये कि ये अपने खाने में अदरक जीरा पुदीना अदरक, हाँ इसका इस्तेमाल रखें। जीरा भून के एक डब्बी में रख लीजिए, इसी तरीके से खुश्क अदरक हो और पुदीना सूखा, वो आप एक तीनों चीज़ें हम वजन में ला लीजिए, और जब भी खाना खाएं ये आप उस पर खाने के ऊपर बाकायदा एक बड़ा अच्छा बड़ा टेस्ट भी बन जाता है जी, उसमें अगर थोड़ा सा काला नमक डाल लें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो ग़िज़ा में आप थोड़ा सा छिड़की। दूसरा बात यह है कि आपको जो दर्द हो रहे हैं ये आपके असाबी कमज़ोरी की तरफ आपका एक इशारा है। आप असाबी कमज़ोरी रफ़ा करने के लिए एक तो जो मैंने बताया कि रात को पैरों के तलों पे घुटनों पे बाकायदा मसाज कीजिए जैतून का, दूसरा जैतून का तेल जो है वो एक एक चम्मच रात सोते वक्त और सुबह उठते ही जैसे आँख खोले एक चम्मच आप जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए। ग़िज़ा में बाधी चीज़ों से परहेज़ कीजिए, जिसे घी अपना गोभी आलू अरवी बैंगन जो है वो ये ना इस्तेमाल कीजिए, इसी तरह पराठे या पूरी या निहारियों का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दीजिए। ग़िज़ा हल्की फुल्की हो और शोरबे वाली अशिया इस्तेमाल करें। आप मेरे से रबते में रहें फ़ोन पे, मैं आपको कुछ अद्वियात भी भेजूंगा इस सिलसिले में ताकि आप मुस्तकिल तरीके से फिट हो जाएँ। तो ये तो हमारा इन साहब को जवाब था, मेरा ख्याल है सारे सवालों के जवाब सारे सवालों के जवाब भी हो गए और शो का टाइम भी एंड हो गया। शो का टाइम भी हो गया। हाँ। नाज़रीन बात यह है कि जाते जाते मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये कि जितनी भी हमारी अद्वियात जो आप इस वक्त स्क्रीन पे वक्तन वक्तन देख रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हम मार्केटिंग नहीं करते, और इसकी वजह भी यही है कि इसकी क्वालिटी कायम रहे। दूसरा ये है कि हमारा पेशेंट तक जो है जो अद्वियात जाती हैं उसका फीडबैक हमें उसी वक्त मिल जाता है। फिर तीसरी बात यह है कि कोई जाली चीज़ें मार्केट में जो आ जाती हैं, जाली अद्वियात इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे नाम से कुछ अद्वियात आ भी गई हैं अस्करी हर्बल के नाम से ना, तो वो भी आप उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जालसाजी करने वाले कभी भी असल चीज़ें अच्छे नुस्खे नहीं उनके पास होते, वो चीट कर रहे होते हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि हमें आप बाकायदा अपनी रिपोर्ट्स वगैरह, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बताया कि रिपोर्ट्स वगैरह भेजें, रबता कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं, ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मेरी सर्विसेज प्रोवाइड हैं, और जहाँ कहीं भी कोई दुनिया में बैठा हुआ आदमी उसको होम रेमेडी भी बता देते हैं, उसको उनको यहाँ तक से जो प्रोडक्ट है अद्वियात हैं तिब नबी की नुस्खाजात जो हैं उससे भी वो मुस्तफीद हो जाते हैं। हमारे पास कैंसर, बेउलादी, हेपेटाइटस, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और जितने भी जोड़ों के मराज, कमर के मोहरों के मामलात, मेमोरी लॉस है, नज़र की कमज़ोरी है, इवन की जो भेंगापन है, वो भेंगापन या सीपी चाइल्ड्स होते हैं वो भी मेरे पास आते हैं, जो इससे अल्लाह की रहमत है बहुत सारे ऐसे
میراث میں ہم نے قابو پا لیا ہے کہ جو کہ پہلے زمانے میں ناممکن تھا. سپی چائلڈز میں جو ہے ڈس ایبل بھی ہیں, نارمل بھی ہیں, کچھ ایسے بچے ہیں کہ وہ ان کی کافی حد تک ان کو ہم فٹنس پہ لے آتے ہیں. تو یوں جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی مرض کو لا علاج نہیں قرار دیا. آپ یقین اور ایمان کی کیفیت میں رہے, اللہ شفا یابی دیتا ہے. اور یہی چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو آپ کے اندر جو ہے چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر ول پاور پیدا ہو, جینے کا حوصلہ ہو اور مایوسی کی دہلیز سے نکل جائیں, اور آپ یقین واثق رکھیں کہ اللہ آپ کو شفا یابی دینے والا ہے. اور لیکن آپ کی لاپرواہیاں, آپ کا غیر یقینی اور جو ہے آپ کی مایوسی جو ہے وہ کامیابی کی دہلیز تک آپ کو نہیں لے کے جاتی. یقین کیجئے, آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ہمت, جرات اور اقدام عمل کی طاقت پیدا کریں. آئیے, جو میرے پاس, میں کراچی میں ہوں اس وقت, راشد مینہاس روڈ پر گلیمر مال میں, بلاک 10A گلشن اقبال میں میرا مطب ہے. اور میرا اوقات جو ہے شام, یعنی دن میں 4 بجے سے شام رات 9 بجے تک میں بیٹھتا ہوں. باقی یہ کہ ہم نے جو میڈیکل کیمپ لگایا ہے, امدادی کیمپ لگایا ہے, میں مخیر حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ اس اپنے جہاں جہاں کوئی کیمپ لگا ہے آپ ایماندار لوگوں کو ڈونیشن کریں, اور ایسے لوگوں کو جو مصیبت زدہ تک پہنچا سکے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکینڈ شائن ود اینی شاہ. اسی طرح جو ہے ہمارا شو بھی دیکھتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. ہمیشہ دل سے دعا آپ کے لیے نکلتی ہے, آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.